घुटनी है, कौन कहता है घुटा है? सब मेरे को नहीं लगता कि सर्वे के आधार में अनीता डुल बड़ सिकरी चाहे आज करवा लो, क्योंकि हमारी 10 साल की मेहनत है ना, वो मेहनत ये बोलती है कि टिकट मिलेगी, नहीं मिले तो क्या होगा? नहीं टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश प्रभारी इसीलिए थोड़े आ रहा, हमारे नेताओं ने हमारे को ये बताया कि एक आपकी टिकट 100% दी जाएगी, जो आप इसका बढ़िया क्या है, जो हमारा खतर बीड़ लेकर हो तो बहुत अच्छी बात है। किसको? नहीं, जयप्रकाश जी को निमंत्रण मैं क्यों दूंगा, प्रभारी जी आ रहे हैं वो देंगे ना। हमारे खिलाफ चाहे कोई कुछ भी करो, हम ना तो किसी की कंप्लेंट देने वाले, कंप्लेंट देता है कमजोर व्यक्ति, कोई नहीं। मेरे को क्या इस चीज की, क्यों मैं किसी का अपना प्रचार करूं, मेरे को क्या जरूरत है? आपको पता है हमारी कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जा रही है हरियाणा के जो 22 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी और मैडम किरण चौधरी जी कर रही हैं। तो ये यात्रा कलायत में 4 तारीख को आ रही है। इसी के तहत हमने कांग्रेस संदेश न्याय रैली का आयोजन किया है, जो कलायत अनाज मंडी में सुबह 10 बजे हमारे आदरणीय नेतागण पहुंचेंगे। और इसमें हमारे आदरणीय कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जी भी आएंगे। तो ये आयोजन किया जा रहा है। अनीता डुल के साथ किसने न्याय कर दिया कि उनको न्याय के लिए रैली का आयोजन करना पड़ रहा है? जी, अन्याय ही अन्याय हो रहा है। अनीता डुल के साथ ही नहीं, हर वर्ग का अन्याय है, क्योंकि ये लड़ाई है न्याय के लिए। किसके लिए? हमारे किसानों को न्याय दिलवाने के लिए, युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए, हमारे मजदूर साथियों को और माता बहनों के मान सम्मान की ये लड़ाई है। तो ये न्याय यात्रा, ये संदेश यात्रा, कांग्रेस का क्या मैसेज है, ये संदेश यात्रा सब वर्ग को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। संदेश यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस में अभी अलग अलग रैली और दुख का संदेश जैसे यात्राओं का बात कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके 4 फरवरी को अनीता डुल के सौजन्य में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, और आगे 18 फरवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश द्वारा ये आयोजन हो रहा है, केंद्र सरकार होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, ये घूटों में रैलियाँ हो रही हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अच्छी बात इसलिए कि सब एक एक जन मिलके तो ये कांग्रेस का संदेश पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस का मैसेज पास कर रहे हैं, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का। तो हर कोई कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उतना ही प्रभावित होगा मैडम, चुनाव होंगे उतने ही लोग एक दूसरे को खींचने वाले होंगे। जब चुनाव होंगे तब चुनाव की देखी जाएगी, लेकिन अब क्या है, सब शीर्ष नेतृत्व को मजबूत करने में लगे हुए हैं, सभी हमारे आदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को मजबूत कर रहे हैं, खड़गे जी को मजबूत कर रहे हैं। घुटों में होकर जी, कोई घुट नहीं है, कौन कहता है घुट है? सभी दीपक बाबरिया जी भी आ रहे हैं, सब कोई घुट नहीं है, घुट है। देखो सबका अलग अलग तरीका होता है अपना मैसेज पास करने के लिए। हैं तो सभी, एक सेकंड, हैं तो सभी कांग्रेस के ना, ये तो वट वृक्ष है, बहुत बड़ा परिवार है, सभी अपना अपना मैसेज, तो उसमें टाल टालियां तने ये तो निकलेंगे। अनीता डुल किस पक्ष में है, हम घुटों में होकर रैलियां करें या एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो किस प्रकार की रूपरेखा तय की गई है और कितना जो अंदेशा लगाया जा रहा है, गैदरिंग होने वाली है? मेरा अनुमान है कि 15-20 हज़ार की गैदरिंग वहाँ होगी, जो लोगों का जोश उमंग उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं हर गांव में जाती हूँ, हर गांव में मैसेज पास करती हूँ। ये तो हमें रैली का बहुत कम टाइम मिला है, लेकिन इस दौरान भी आज ये मीटिंग भी इसीलिए रखी गई थी कि लोगों तक बताएं कि हमारे पास टाइम बिल्कुल ही कम है, 6 दिन ही बाकी हैं और रैली का आयोजन करना है। तो पिछले कांग्रेसी नेताओं ने जो रैली की थी, क्या उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ेगी वो, तो आप भी हाथ कंगन को आरसी के आप सामने देख लीजिएगा। रैली होने जा रही है, आमजन से क्या अपील करेंगे? आमजन से यही अपील रहेगी कि आप इस रैली को सफल बनाएं, बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारे नेताओं के विचार सुने, जिसमें हमारे सभी शीर्ष नेता आ रहे हैं। चौधरी का नाम लिया है, शैलजा जी का लिया है और रणदीप सुरजेवाला का लिया है, तो भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं छूट गया, क्या कारण? नहीं, मेन बात यह है कि सभी एकजुट होकर राहुल गांधी जी का बिल्कुल सभी को बुलाकर, और खड़गे जी ने सभी नेताओं को एकजुट रहने के आदेश पारित पहले से भी किए थे, अब भी हैं। और जो साथी हमने तो
हर व्यक्ति को, मतलब कि जब प्रदेश प्रभारी आ रहा है, हमारा कोई औचित्य नहीं रह जाता कि गुटों का, वो प्रदेश प्रभारी जी जब प्रदेश का प्रभारी कलायत के अंदर पहले ही आ रहा है, तो आप अंदाज लगाओ कि वो तो प्रदेश प्रभारी ने ही एकता लागू करनी है और कर भी करके भी दिखाएंगे। मेरा अनुमान मानना है जैसे कि हो सकता है सभी नेता भी आ जाए। क्या भूपेंद्र हुड्डा जी को संदेश भेजा गया? वो प्रदेश प्रभारी का मामला है, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि प्रदेश प्रभारी जिसको आदेश देगा, मेरा तो आदेश कोई मानने वाला नहीं है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। नहीं, कोई रूठा नहीं। देखो आपको एक बात बताते हैं कि थोड़े से कहते हैं ना, मनभेद तो सभी के होते हैं पर मतभेद नहीं है, मनभेद तो किसी का भी हो जाता है। आहट पूरी तरह हो गई है, जिस प्रकार भले आप इस बात से इनकार करें कि गुट नहीं है, वो स्पष्ट हो दिख रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सुबह मैसेज आया है कि 18 तारीख को वो यहाँ रैली आयोजन करने जा रहे हैं, और SRK जो खेमा है आप ग्रुप से आते हैं, और ठीक जो खेमा है वो दूसरा खेमा हुड्डा का खेमा लग चलता है, तो आप इस प्रकार की जो विभाजन है आप इस पक्ष में हैं? मैं बिल्कुल 100% एकजुट के पक्ष में हूं, और जो सच्चे कांग्रेसी हैं, टू बी फ्रेंक, मतलब मैं इस बोलने में गुरेज नहीं करूंगा, जिन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली है, जो पार्टी के अंदर सदा बने रहे हैं, जो शुरू से कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं, चाहे हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, कांग्रेस में ही उनके पिताजी थे, कांग्रेस के अंदर वो हैं, और चाहे किरण चौधरी जी, भले ही उनके ससुर ने अलग पार्टी बना ली, बट कांग्रेस नहीं छोड़ी, पक्की कट्टर कांग्रेसी। और आदरणीय बहन कुमारी शैलजा का तो आपको रिकॉर्ड है, चौधरी दलवीर सिंह जी कट्टर कांग्रेसी, वो कट्टर कांग्रेसी, कांग्रेस की उनकी रगों में कांग्रेस का खून, चाहे भूपेंद्र हुड्डा भी क्यों ना हो, वो भी कांग्रेसी हैं, इनमें किसी में फर्क नहीं है, सभी कांग्रेसी हैं। इनमें कार्यकर्ता उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं अगर कोई SRK में जाता है हम कार्रवाई करेंगे, अगर वो जाता है तो वो कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई करता कहां जाए? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं है, कौन कार्रवाई करेगा? निडर होकर जब प्रदेश प्रभारी आ रहा ना, यदि कार्यकर्ता भी से डरने लग गया ना, तो विपक्ष का क्या सामना करेगा? वो विपक्ष का सामना करने के धैर्य, शक्ति, मनोबल, इसकी आवश्यकता होती है। जो छोटे विचार रखते हैं तो उसका तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं तो एक दृढ़ निश्चय के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, हमारे शीर्ष नेतृत्व को मजबूत करें, हम सब एक हैं। मैं नहीं मानता कि चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे आदरणीय भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे आदरणीय बहन कुमारी शैलजा हो, चाहे आदरणीय हमारी मैडम किरण चौधरी हो, और चाहे और भी अपने 36 बिरादरी की पार्टी है कांग्रेस, तो चाहे और अन्य नेताओं, सभी सम्मानित तो हमारे लिए। संकल्प क्या है अब, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि हम तो चुनाव में जाएंगे और कांग्रेस गुटों में भी है और टिकट किसको मिलेगी वो भी आने वाला वक्त बताएगा, तो संकल्प क्या है? अगर टिकट नहीं मिलता तो अनीता रथ पर सवार होंगी, वो चुनावी मैदान में उतरेंगी या ऐसा है? आपको एक बात बता देता हूँ, पहले तो जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का एक कड़ा संदेश है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, मेरे को नहीं लगता कि सर्वे के आधार में अनीता डुल बड़सिकरी, चाहे आज करवा लो, क्योंकि हमारी 10 साल की मेहनत है ना, वो मेहनत ये बोलती है कि टिकट सीधा जवाब बताइए, बिल्कुल सीधा, टिकट मिलेगी नहीं मिले तो क्या होगा? नहीं, टिकट मिलेगी, टिकट नहीं, टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ा जाएगा, और नहीं मिली तो क्या होगा? नहीं मिलेगी, क्यों नहीं, जब मिलेगी तब तो हम इतने कॉन्फिडेंस है, प्रदेश प्रभारी इसीलिए थोड़े आ रहे, हमारे नेताओं ने हमारे को ये बताया कि एक वे आपकी टिकट 100% दी जाएगी, जब आप मेहनत करोगे तो आपको टिकट क्यों नहीं दी जाएगी? कौन कह रहा है ऐसी? तो मेरे को तो किसी ने, मैं श्रेय कैसे ले रहा हूँ, मेरे को तो शीर्ष नेताओं ने आदेश दिया है कि भाई आप रैली नहीं 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 ये राजेश अंबर सर की अकेले की कोई भीड़ नहीं है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, इसके आयोजक अनीता डूड बड़सिकरी है, हमारे को तो एक जिम्मेदारी दी है। वो कह रहे हैं कि एक मतलब कोई यदि साथी, इसका बढ़िया क्या है, जो हमारा खतर भीड़ लेकर हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें नुकसान क्या है, ये तो बहुत हमारे को खुशी की बात है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, यदि हमारे से बगैर मतलब कि एक मतलब कि हमारे से मदद करे, उसके तो बड़ा दिल है उस साथी का, तो उसको तो मैं बड़ा दिल वाला मानता हूँ, छोटे वाला
और उन्हें स्पष्ट तौर पर जाना है कि ये ऐसा की गुट है, ये कांग्रेस गतिविधियाँ हैं और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है, कार्रवाई तो पता नहीं, कार्रवाई तो जब होगी ना, यदि कोई डिसिप्लिन से आउट चला जाए, जब प्रदेश प्रभारी आ रहा तो उसने करनी चाहिए कार्रवाई, ना तो मेरा कहने तक कार्रवाई, ना किसी एक्स वाई जेड का कहने तक कार्रवाई। जब प्रदेश से प्रभारी आन लग रहा है, कार्रवाई किस चीज़ की होगी भाई? भाई मेरे को तो जो सूचना मिली है कि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जी आएंगे, और मेरे को ये कहा गया है कि आपने रैली का आयोजन करना है। मेरे को शीर्ष नेताओं से संदेश पहुंचा है कि आपने रैली का पूरा देखना है, पूरा सिस्टम करना है, और एक कांग्रेस का जो संदेश है उसके लिए ये रैली का आयोजन है, और ये रैली न्याय की रैली है, क्योंकि न्याय की लड़ाई जो भाजपा की खट्टर और खटारा सरकार और आदरणीय मोदी जी की ढकोसला सरकार जो चल रही है उसको मात देने के लिए परिवर्तन के तौर पर, इसको हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन के तौर पर, व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर ये रैली की जा रही है। राजीव जी, आपकी पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को निमंत्रण दिया जाएगा? किसको? जयप्रकाश? नहीं, जयप्रकाश जी को निमंत्रण मैं क्यों दूंगा? प्रभारी जी आ रहे हैं, वो देंगे ना। मैं तो सभी को कह रहा हूँ, मैं निमंत्रण देने वाला कौन हूँ? मैं निमंत्रण देने वाला किसी को मतलब मैं को, नहीं, मैं आयोजक, मेरे को जिम्मेदारी दी गई है तो मैं आयोजक, उसमें निमंत्रण की क्या बात है? निमंत्रण, आप एक बात बताओ, निमंत्रण तो तब दिया जाए अगर मेरे को कोई आदेश ऊपर से आए तो, बड़े लोगों को तो बड़े लोग ही निमंत्रण देंगे। वो आप एक बात बताओ, घर में कौन देता है? मुखिया ही देता निमंत्रण, तो मुखिया आ रहा है प्रदेश का, तो मुखिया की जिम्मेदारी है किस किस को बुलाएगा। यदि मेरे को निमंत्रण होगा तो मैं जाऊंगा, तो मेरे को अध्यक्ष जी देंगे, फिर मेरे को ये प्रभारी से पूछो भाई, मेरे से कमाल है अमित जी, आप भी ऐसी बात कह रहे हो, इधर इतने बढ़िया पत्रकार हो। हाँ जी, अक्षत बांट भी गए हैं, अक्षत बंटे हैं, तो लगता नहीं कि अक्षत तो काफी जगह पहुंच गए, आपके पास भी आए हैं, पता नहीं आपको, आपको पता होगा, हमने देख नहीं करती कि जो रैली या हम यात्रा कर रहे हैं, अक्षत बन चुके हैं पहले, हम पीछे तो नहीं? नहीं, हम कहीं पीछे नहीं, तैयारियाँ पूरी है, पूरी तैयारी है, फुल रैली की तैयारी ऐसी है कि वो आपको मतलब कि अपना 4 तारीख को आपको 9-10 बजे ये पता लग जाएगा कि भाई अंतिम क्वेश्चन की 4 तारीख को जो रैली से दूर रहेंगे, जिनको आप लोग नेता मानते हैं, क्या कोई सूची अनीता डूब की तरफ से नेताओं को सौंपी जाएगी जो रैली के मुख्य गतिविधियां करेंगे या बनाएंगे हमारे खिलाफ, चाहे कोई कुछ भी करो, लोग करोगे क्या? हम नहीं, हम ना तो किसी की कंप्लेंट देने वाले, कंप्लेंट देता है कमजोर व्यक्ति। मैं बताता हूँ, मैं डिफेंस में था तो मेरे को इस चीज़ का पता है, मेरे को ये बताया कि भाई शिकायतें कौन करता है? शिकायतें हमेशा कमज़ोर व्यक्ति करता है। शिकायत क्या होती है? शिकायत क्या जरूरत है? अपनी मजबूती रखो, अपना घर मजबूत रखो, अपना परिवार मजबूत रखो, अपने साथी मजबूत रखो। अपने पार्टी बदलने वाले नेताओं की बात करें, क्लाइंट में कौन सा वो कांग्रेसी नेता है जो पार्टियां बदल? आपको पता है मैं क्या बताना, सबने पता है, प्रत्यक्ष रूप से किसकी तरफ मैं किसकी, आप जानते हो, हर की आपके पास हर की कथनी करनी है, मेरे को क्या पता, नाम लेने में क्या है? मैं क्यों आपको पता है, ये नाम तो उसका लिया जाता है कि मैं कोई लेटेस्ट सारी तो सदा सदा की बात है, नहीं जनता सबने पता है, नहीं नहीं कोई नहीं, मेरे को क्या इस चीज की, क्यों मैं किसी का अपना प्रचार करूं, मेरे को क्या जरूरत है, आपको पता है।